रही है क्राइम स्टोरी। उत्तराखंड के रुड़की लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों ने आज कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और कार्यालय के मुख्य द्वार पर तालेबंदी कर दी। ठेकेदार एसोसिएशन का कहना है कि दो सालों से लोक निर्माण विभाग द्वारा कई ठेकेदारों को भुगतान नहीं किया गया है। वहीं टेंडर के रेट 400 से बढ़ाकर 4000 तक कर दिया, जो कि गलत है। साथ ही रिक्वायरमेंट रूल लागू कर दिया गया, जिसमें कई खामियां हैं और रजिस्ट्रेशन का शुल्क बढ़ाए जाने का भी ठेकेदार विरोध करते हैं। ठेकेदारों ने कहा कि हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा और जितने निर्माण कार्य चल रहे हैं सब बंद कर दिए जाएंगे। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के रुड़की से अली जैदी की रिपोर्ट। आ रही है जिसमें ठेकेदारों का बहुत उत्पीड़न होने वाला है। 1 लाख की सिक्योरिटी की जगह 10 लाख कर रहे हैं, 1 करोड़ के 10 बॉन्ड चाहिए तब 1 क्लास में रजिस्ट्रेशन होगा। ये ठेकेदारों के खिलाफ बहुत बड़ी उत्पीड़न हो रहा है इनका। लोगों ने तालाबंदी और घेराव काम बंद कर दिया सबने, बहुत ज्यादा सब ठेकेदार परेशान है। लोग दे गया है जो भुगतान नहीं हुआ, ठेकेदारों के बहुत कई करोड़ों में पेमेंट रुका सबका, सभी का सब। इसकी स्थिति बहुत डावाडोल है कि जब से भाजपा की सरकार आई है हम लोगों ठेकेदारों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। उत्तराखंड में हम लोगों को बिल्कुल पिछला भुगतान नहीं किया जा रहा, जो कि कांग्रेस की सरकार में हमें समय पर भुगतान हुआ करता था वो भुगतान बिल्कुल नहीं किया जा रहा। 2-2, 3-3 साल से हम ठेकेदारों के यहाँ पर पैसा फंसा हुआ है, उसका भुगतान हमें शीघ्र चाहिए, वो भुगतान हमें नहीं मिल रहा है। जो पिछली बार 400-400 रुपए के टेंडर यहाँ पर बिकते थे उन्हें 2500-3000 से 4000 रुपए तक कर दिए गए हैं, जो कि हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा भारी बोझ जो है वो कर दिया गया है। देख रही है क्राइम स्टोरी।